नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंट्रीसाइड ट्रैवल्स में। तो आज हम कुल्लू के ढालपुर मैदान में हैं और 7 दिन का जो दशहरा उत्सव है वो यहाँ पे चल रहा है। आज के इस वीडियो में कुल्लू दशहरे की कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ मेन इवेंट्स मैं कवर करूंगा जो इन 7 दिनों में होते हैं। तो कुल्लू दशहरे की शुरुआत हुई थी 1672 से, और यहाँ के जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने इस त्यौहार, इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। और उसके बाद ये फेस्टिवल लगातार कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाने लगा। तो इस वक्त जो सामने आप देख रहे हैं ये राजा की जलेब है। तो यहाँ पे जो हमारे करंट कुल्लू के राजा हैं, राजा महेश्वर सिंह, वो इस पैलेंक्यू में बैठे हैं और जो आसपास के देवी देवता हैं वो इस जलेब में शामिल हुए हैं। दशहरे उत्सव में आए विभिन्न इलाकों के देवी देवता इस जलेब में शामिल होते हैं। इस दौरान सभी देवताओं के हरियाण नाचते गाते हुए कुल्लू शहर में भ्रमण करते हैं। इस जलेब के बारे में कहा जाता है कि भगवान नरसिंह के सम्मान में इस जलेब का आयोजन किया जाता है और पालकी में भगवान के शस्त्र रखे जाते हैं। जलेब के माध्यम से पूरे शहर में एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है ताकि किसी प्रकार की बुरी शक्ति शहर में प्रवेश न कर सके और अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ संपन्न किया जा सके। हर दिन अलग अलग रीजन्स होते हैं जो इस जलेब का पार्ट बनते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे तीसरे दिन आए हैं तो सहज घाटी के देवी देवता यहाँ पे इस जलेब का हिस्सा बने हैं। अगर देखा जाए तो 7 के 7 दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कुल्लू दशहरा, और बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे करने के लिए, लेकिन जो कुछ मेन इवेंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आज कवर कर रहा हूँ। छठे दिन इस कुल्लू दशहरे में एक इवेंट होता है जिसे मोहल्ला का नाम दिया गया है, और मान्यता कुछ ऐसी है कि लंका चढ़ाई से पहले सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ को शक्तियां प्रदान करते हैं, और रात के समय जो शिविर है भगवान रघुनाथ का, वहां पे माता दुर्गा की भी पूजा की जाती है और माता दुर्गा से लंका चढ़ाई का आशीर्वाद दिया जाता है। और उसके बाद जो फाइनल डे होता है उस दिन लंका दहन होता है और सभी परंपराओं से उसे पूरा किया जाता है, और वो फिर कंक्लूजन होता है इस कुल्लू दशहरे का और रावण और उससे जुड़ी बुरी शक्तियों का अंत किया जाता है। मोहल्ला पर्व में सभी देवी देवता अपनी हाजिरी भरते हैं और भगवान रघुनाथ का जो रजिस्टर है उसमें इन देवी देवताओं की एंट्री भी की जाती है।
और फिर आज फाइनल डे है इस कुल्लू दशहरे का और लंका दहन है आज, और ये भी एक प्रमुख इवेंट है इस 7 दिन के दशहरे में जो होता है। लंका दहन समारोह में जो माता हिडिंबा है और राज परिवार है उनकी एक अहम भूमिका रहती है। इस दिन सैकड़ों देवी देवता के साथ रघुनाथ जी लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण और उसके साथ जुड़ी बुराई का भी अंत करते हैं। गोबर के बने रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण को तीर से भेदने के बाद लंका में आग लगाई जाती है। दो हजार 2014 से पहले माता हिडिंबा के लिए यहाँ पे पशुओं की बलि भी दी जाती थी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब इस बलि प्रथा पे बैन लगा हुआ है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल कंट्रीसाइड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कंट्रीसाइड ट्रैवल्स। चलो मारो मारो, इधर देखो।